सवाल ये कि हम जॉइंट फैमिली है शेख, और हम सऊदी अरब में रहते हैं, और जो भी हमें पैसा वगैरह कमाते हैं वो सब हमें अपने माँ बाप पे देते हैं। ठीक है। तो सभी पूरे भाइयाँ पूरे भाई हम माँ बाप के हाथ देते हैं। तो मेरा सवाल ये था, कुछ महीने में क्या हम खर्चे के लिए कुछ पैसे निकालते हैं, जैसे कि 4,000 5,000 अपने खर्चे के लिए निकालते हैं और उसमें कुछ पैसे बचते हैं, तो पैसे बचा के क्या हम हमारे माँ बाप को बिना बोले मेरे बीबी को मैं दे सकता हूँ पैसे? अरशद भाई, कुछ जी क्या सवाल तो समझा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार आप रिपीट करते हैं, कुछ जुमले इनके कट रहे थे। भाई का सवाल ये है शेख कि वो बाहर कंट्री में काम करते हैं जैसे, और घर में जो कमाई होती है वो घर में वालिदैन के लिए भेजते हैं, और कुछ पैसा वो अपने पास अपने खर्चे के लिए रखते हैं। जैसे उन्होंने 5,000 अगर अपने खर्चे के लिए रखा और उसमें से 3,000 उन्होंने अपने लिए खर्चा किया, बाकी 1-2 हज़ार बच गए, तो उनका पूछना ये है कि क्या वालिदैन को बताए बगैर क्या मैं वो अपनी बीवी को दे सकता हूँ? ये बहुत बहुत अफसोसनाक मसला है हमारे समाज में। जी देखिए, ये तन्हा ये भाई नहीं है जिनको गलत फहमी है इस मसले में। असल में हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम है उसने मुआशरती जिंदगी का बिल्कुल तिया पाचा कर दिया है। उसमें हुकूक इस तरह से आपस में गुड़मुड़ हो गए हैं कि जो चीजें आप पर वाजिब नहीं है उसको आप वाजिब समझने लगते वाजिब हैं। समझ। हाँ, और जो चीजें वाजिब हैं उसको कर नहीं पाते हैं। अब मेरे भाई, आप गौर से सुनिए, मैं बहुत मुख्तसर में जवाब दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप गौर से सुनेंगे और बात आपके समझ में आएगी। देखिए, हमारी शरीयत में जो आदमी भी पैसा कमाता है, कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आपके वालिद हो या आप हो, आपके भाई हो, आपका बेटा हो, जो आदमी भी पैसा कमाता है वो पैसा उसका अपना है, उसमें कोई भी शरीक नहीं है। ये नुक्ता अच्छी तरह से जहन में बैठा लीजिए कि आप जो कमाते हो वो कमाई आपकी है, वो किसी और का नहीं है। अलबत्ता उस कमाई के आपके ऊपर कुछ लोगों के कुछ हुकूक वाजिब होते हैं, तो उस कमाई से वो हुकूक आपको अदा करना होता है। बाकी वो जो कमाई है वो आपकी है, वो हुकूक आपको अदा करने हैं। जैसे आपकी शादी हो गई, अब आपके पास आपकी जो कमाई है, जो भी मालो दौलत है, वो आपका है। अलबत्ता आपके ऊपर आपकी बीवी का नानो नफका वाजिब है। अब उस मालो दौलत में से उसको नानो नफका आपको देना है, लेकिन वो आपका जो माल है वो आपकी बीवी का नहीं है या आपके वालिदैन का नहीं है। आपको अपने उस माल में से आपके जिन अज्जा व अकारिब के हुकूक वाजिब होते हैं वो हुकूक देने हैं, और जाहिर है वो हुकूक लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं कि मैं 1 लाख कमाऊं या 10 लाख कमाऊं सब दे दूं। वो हुकूक लिमिटेड हैं, उतना आपको देना है, बाकी आपका है, उसमें किसी और का हक नहीं है। यही मामला, यही हाल वालिदैन का भी है। जो पैसा आप कमाते हो वो पैसा आपका है। अगर आपके वालिदैन अमीर हैं, उनके पास मालो दौलत है, ऐसी सूरत में तो आपके ऊपर वाजिब भी नहीं है कि आप उनको उनका खर्चा दो, क्योंकि अल्लाह ने उनको दे रखा है। और ना तो आपके वालिदैन पर वाजिब है कि आपको दें या आपके बीवी बच्चों को दें। आप अपना मामला देखो, आप अपने बीवी बच्चों का मामला देखो। जो आपके वालिदैन की मालो दौलत है उनकी है, जब तक उनकी वफात नहीं हो जाती है आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप गरीब हो जाते हो, फकीर हो जाते हो, तो वालिदैन पर भी वाजिब होगा कि आपका खर्चा, जो वाजिबी खर्चा है, वो दें। इसी तरह से अगर वालिदैन गरीब हैं, उनके पास नहीं है, तो उनका नानो नफका, उनकी जरूरतें आपके ऊपर वाजिब हो जाती हैं। लेकिन अगर उनके पास मालो दौलत है तो ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप उनका नानो नफका, उनका खर्चा संभालो। और ये तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है कि जो भी आप कमाओ वालिदैन को पूरा दे दो, ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है। आप दे रहे हो तो आपकी मर्जी भाई, आपका माल है, आप किसी को भी दे सकते हो, आप दे रहे हो तो आपकी मर्जी। तो बहरहाल आपकी कमाई वो आपका माल है, वालिदैन का जो खर्चा होता है, अगर वो गरीब है तो वो खर्चा दीजिए, अगर वो अमीर है तो उनसे सिला रहमी के तौर पर जो दिया जाता है वो सिला रहमी के, हदिया तोहफा देना, उनके लिए कुछ दे देना, गिफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप कीजिए। लेकिन बाकायदा तौर से पूरी कमाई माँ बाप को दे देना और ये समझना कि ये वाजिब है, ये हमारी शरीयत में ऐसा नहीं है, और इससे कई खराबियां जन्म लेती हैं। एक बेटा कमा कमा करके पूरी कमाई जिंदगी भर वालिदैन को भेज रहा है, भेज रहा है, और वो जो वालिदैन है उसके दीगर जो भाई बहन हैं सारे लोगों को उसमें शरीक कर रहा है।
ये कैसे मतलब अकलन भी ये बात कैसे दुरुस्त हो सकती है कि वो अकेला कमा रहा है, वो जो है सारे लोगों को उसको तकसीम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये आपकी मर्जी है, आप अपनी खुशी से जिसको चाहो दे दो, लेकिन ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि आप जो कमाओ सब वालिदैन को भेज दो, ठीक है, वो कमाई आपकी है। और आखिरी बात आप जो पैसा कमाते हो, जब हमने ये कहा कि वो आपका है तो आप अपनी बीवी को क्या दोगे, बच्चे को क्या दोगे, इसका फैसला आप करोगे, आपके वालिदैन नहीं करेंगे, ठीक है। वालिदैन को इसमें इंटरफियर करने का हक नहीं है कि आप अपनी बीवी को क्या दोगे। पहली बात तो बीवी का नानो नफका आपके ऊपर वाजिब है, जो वाजिबी नफका है वो तो आपको देना ही देना है। उसके ऊपर अगर आप कुछ गिफ्ट और हदिया वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी आपको इख्तियार है, आप कर सकते हो। तो वालिदैन या आपके भाई बहन या घर वाले कोई भी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, इसमें मुकम्मल आपको इख्तियार है।